महादेव, और आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम मंदिर जा रहे हैं और पूजा करने, और हमारे साथ है मंदिर में जाके दिखाएंगे आपको भीड़ कितनी हो रही है। मिलते हैं आगे। देखिए, अभी हम जा रहे थे अपने शिव ब्लॉक के मंदिर में। मैं आपको दिखाता हूँ आंवले। ये देखो, ये आंवले कितने हैं। रोज कहते हैं रोज एक आंवला। और आज हम C9 के संकट मोचन धाम मंदिर में, जहाँ पे आपको दिखाएंगे शिवपुरा का पूरा शिव परिवार है, और वहाँ पे राम जी की मूर्ति है जो अभी स्थापित हुई थी। चलो चलते हैं। जय महादेव। और जब हम मंदिर में गए, और आप देखिए मंदिर में भीड़, मैं तो साइड में ही खड़ा था, और जो यहाँ पे जल अभिषेक हो रहा था और लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। लता को कहीं से जाके मौका मिला, मैं तो साइड में थोड़ी आप लोगों के लिए वीडियोग्राफी बनाने लग गया था। मंदिर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, और यहाँ पे देखो पूरा शिव परिवार है, जिसे देख के खुशी हो रही थी। ये देखिए, एक एक करके सब जल चढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था साइडों में ना गिरने लगे। और ये पंडित जी जो यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे और अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि कोई भगवान हनुमान की मूर्ति के पास महिलाएं ना जाएं। फिर हमने मंदिर पे कुछ फोटो वोटो खिंचवाई सोशल मीडिया के लिए। ये देखिए, एक पौधा ये मिला है, ऐसा लगता है धतूरे का पौधा होता है, उसका बड़ा भाई है कोई, क्योंकि ये इसका वृक्ष तो बहुत ही बड़ा है पेड़। महाशिवरात्रि, और आज हमने रखा है चारों ने व्रत। चारों में कौन कौन है दिखाता हूँ। पहला मैं, लता, खुशी और आदि, आज चारों को व्रत रखवाया। और आज हमारा टारगेट क्या है दिखा दें। व्रत तो रख दिया है। ये जो है ये आज हमारी पूरी दिनचर्या है, ये है, और इसको फिनिश करना। तो जस्ट मजाक है भाई, व्रत है तो ऐसा तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो खाएंगे ही। चलो आगे देखते हैं क्या। और आज धूप अच्छी आई थी, जैसे कि मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी पहले, विटामिन डी तो ले ही रहे। चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, आज धूप में सोते हैं, फास्ट है। और ये खुशी कर रही है कुछ कलाकारी, और वो कलाकारी हो रही है किससे दिखाता हूँ, मेहंदी से। एक ये हो चुकी थी, क्यों भाई व्रत रखा हुआ है, टाइम पास भी करना है, पूरे दिन कैसे होगा। लाइट आ गई है। और ये देखो आदि का हमने रखवाया है आज व्रत, वो भी जबरदस्ती तो नहीं, इसने भी कहा था, मगर एक और है, इसका है कल एग्ज़ाम। हाँ भाई इधर देख, जब हम तुझसे बार बार पढ़ने की बोल रहे हैं, तुम पढ़ तो ले बेटा। ये देखो, ये पढ़ाई के नाम से भाग के हमारे साथ ऊपर आ गया। वैसे तो ऊपर भी इसकी कॉपी तब रही, थोड़ा पढ़ ले। और कुछ दिखाता हूँ मैं व्यू आपको, व्यू दिखाना तो बनता ही भाई, जब छत में आए हैं और सामने अरावली पर्वत जैसा। मैं A few moments later. ये काफिला देखो कहाँ मिलता है देखने को। वाह, पूरा जत्था घूम रहा है। ओए आलू खा गई ये। खा जाने, अच्छा। 3 hours later. शाम को थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब वो है टाइम
8 o'clock और हो रहा है बर्थ खोलने का टाइम। दिखाते हैं आज आपको बर्थ में, जिससे हम खोलेंगे उसमें क्या क्या बना है, दिखाता हूँ आपको आज। सो गाइस, आज खाने में बन रहा है आलू की पूड़ी, जिसको कचौड़ी भी कहते हैं। वो गरम गरम तल रही है, यहाँ दिखाओ कैमरामैन। और अगर आप उधर की तरफ नजर डालोगे, खोलो, वहाँ है आलू की सब्जी और इधर है हमारा रायता। और चटनी है, चटनी अभी भर गई है, पापा को दे रखी है हमने। तो ये है हमारा बनी है आलू की पूड़ी, कचौड़ी, रायता और आलू की सब्जी रसीले। चलो जी बर्थ खोलते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे। आपने ब्लॉग देखा होगा, ब्लॉग कैसा लगा आपको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर लिखें कि क्या हो, कैसा है ब्लॉग, कैसा लगा या क्या कमी है। और इस ब्लॉग में मैं एक आपको एक बातचीत कहना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को, आने वाली नई पीढ़ी को, अपने धार्मिक, अपने संस्कारों, अपने देवी देवताओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो। मैं नहीं कहता, प्रॉपर हर किसी को, अपने बच्चों को ज्ञान होना चाहिए हमें कि हमारे क्या भगवान है, क्या हमें पूजा करनी चाहिए, कब कब व्रत होते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी आदत है, अभी से हम बच्चों में डालेंगे। तो ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग्स में, ब्लॉग में बाय।